माँ बगलामुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौक होशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक माँ बगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया। सबसे पहले पंडित अविनाश गौतम एवं पंडित पिंटू शर्मा ने नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार गौरी गणेश कुंभ पूजन माँ बगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमान सनी अरोड़ा से परिवार सहित पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों को आहुतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने कहा कि मोक्ष तक पहुंचने का मार्ग संन्यास से होते हुए गुजरता है। धर्म में कही गई ये बात बिल्कुल सत्य है और लगभग हर धर्म संन्यास को किसी न किसी रूप में ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग बताता है। यदि ये निर्णय जीवन के उस पड़ाव पर लिया जाए तब व्यक्ति वाकई ही उचित अनुचित में से उचित का चुनाव करने के काबिल बन जाए। वहीं हवन यज्ञ के दौरान सोशल डिस्टेंस एवं सैनिटाइजेशन का खास ध्यान रखा गया। इस अवसर पर एडवोकेट राजकुमार, अमरिंदर शर्मा, समीर कपूर, मोहित बहल, अशोक शर्मा, रोहित बहल, बाबा जोशी, राजेंद्र सहगल, गुलशन शर्मा, संजीव शर्मा, विक्रम भसीन, विक्रांत शर्मा, गुरबाज सिंह, गोपाल मालपानी, राजेश महाजन, राघव चड्डा, अश्विनी शर्मा, मानव शर्मा, बाबा खन्ना, राजीव, राकेश ठाकुर, बलदेव सिंह, साबी लक्की, सुनील जग्गी, प्रिंस राजन पठानिया, पंकज, पप्पू, दीपक, बाबा, प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद रहे। आरती के उपरांत प्रसाद रूपी लंगर एवं भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। साची दरबार की जय। जय माँ बगलामुखी जी। अज माँ पितांबरा भगवती बगलामुखी जी के दरबार जो कि माँ बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी जलंधर च स्थित है, माँ के भव्य मंदिर के अज श्रृंखलाबद्ध हवन यज्ञ माँ की कृपा के नाल जारी रही। मैं इस दिन नाल दसना चाहना कि हर महीने मासिक हवन यज्ञ जिहड़ा हुंदा है, इस महीने भी 25 तरीक नूं मासिक हवन यज्ञ हो जा रहा है। उस दिन असी जुलाई महीने के आखिरी रविवार को 56 भोग महामाई में लगवाने हैं। पिछले सालों की तरह इस साल भी बड़ा बढ़ चढ़ के सारे श्रद्धालु जिस तरह भी है, जे किसी ने अपने घरों भोग बना के लेना है वह बिना लसन प्याज तो भोग बना के लिया सकता है और मंदिर परिसर च पहला अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। कोई भी भाई बंधु बाहरों भी कोई मिठाई कोई नमकीन लिया सकता है ता जो महामाई बगलामुखी जी को 56 भोग लगाए जा। उस दिन सुबह 7 बजे तो 9:30 बजे तक हवन यज्ञ होएगा। उस तो उपरांत माँ का भजन गायन होएगा, कीर्तन होएगा और 12 बजे महामाई बगलामुखी जी को 56 भोग लगाए जाएंगे। इस दे नाल मैं दसदा होर चाहना तुहानू कि साड़ी आराध्य देवी माँ बगलामुखी जी को असी गुरु मानते हैं, इसलिए असी गुरु पूजन शनिवार को 24 तरीक को आयोजित कर रहे हैं। जिहड़ा भी माँ बगलामुखी की नाम लेवा संगत होवे, माँ बगलामुखी जी ने अपना गुरु का मनता हो और माँ बगलामुखी जी की शरण आना चाहता हो सू पहला अपना नाम लिखा दौ ता जो 24 तरीक न होने वाले हवन यज्ञ जिहड़ा कि गुरु पुनिया के उपलक्ष्य के हो जा रहा उस दे लई उन्हां दा नाम लिखा जा सके और उन्होंने लिए सुनियोजित ढंग के नाल स्थान का और समगरी का प्रबंध किया जा सके। नाल ही मैं दसना चाहना कि गौरमेंट ने जिहड़ा COVID-19 की सानू जिन्नियां रियायतां दित्तियां है उस दे अनुसार असी 7 महीने तो जिहड़ा हवन यज्ञ असी कोविड करके सवेर नूं करना शुरू करता सी शनिवार नूं वो दोबारा तो शाम नूं शुरू करन जा रहे हैं। 7 to 8 बजे हवन यज्ञ होया करेगा हर शनिवार। 16 तरीक जिहड़ी अपनी संगरांद आ रही है इस तो उपरांत जिन्हें भी शनिवार होणगे वो नाल दे नाल आपां मीडिया राहीं भी और जिन्हें भी अपने चैनल पार्टनर है उन्होंने राहीं भी असी दसदे जावांगे और नाल नाल सारी संगत नूं
इस चीज़ के बारे जिहड़ा ज्ञान करवाते जावां। जय मां बगला मुखी धाम, गुलमोहर सिटी, लंबा पिंड चौंक, जलंधर सिटी। 25 तरीक महीने के आखिरी इतवार को मासिक हवन की योजना की गई है। सावन के महीने के इस इतवार 25 जुलाई के 56 भोग महामाई के लगान का और माँ नूं सेवन करन दा मौका सानू मिलिया है, जिहदे विच हर श्रद्धालु नूं यह कहा बिनती है मेरे हाथ जोड़ के कि माँ दे दिन 25 जुलाई नूं अपने घरों जो जो अपनी श्रद्धा नाल जिहड़ा जिहड़ा भी भोग बना के लैके आ सकता है वह जरूर बंगला मुखी धाम गुलमोहर सिटी विच पहुँचे और मासिक हवन के विच अपनिया पूर्ण आहूतियां पा के अपने अपने दुख दलिद्र और बीमारियां नूं दूर करके माँ का आशीर्वाद लवे। जय माँ बंगला मुखी।